हेलो दोस्तों, पाकशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट लेमन सिरप, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जिसे बनाने के लिए आपको धूप की जरूरत नहीं, ना ही गैस जलाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स करें, और दोस्तों घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। दोस्तों, इंस्टेंट लेमन सिरप बनाने के लिए यहाँ हमने ली है 250 ग्राम चीनी। आप चाहें तो बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 बड़े आकार के नींबू लिए हैं। अगर आप छोटे नींबू ले रहे हैं तो उनकी मात्रा बढ़ा दें। 1 टीस्पून हमने सेंधा नमक लिया है। 1 टेबलस्पून पुदीना पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है और 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर है। सबसे पहले नींबू को धोकर अच्छी तरह से पोंछ लें और इस तरह से हम उन्हें आधा काट देंगे और उनका रस निकालेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा दबाकर आप रस नहीं निकालें, क्योंकि इससे जो छिलके का कड़वापन है वो भी रस में आता है। तो एक बार दबाने पर जितना रस निकलता है आप उतना ही निकालें। सभी नींबू का रस हम इस तरह से निकाल देंगे। इन छिलकों को जो हमने अभी रस निकाला है उन्हें आप फेंके नहीं, इनका आप इंस्टेंट अचार बना सकते हैं, अगर की साफ सफाई में काम में ले सकते हैं। एक बार हम इन्हें साइड में रख लेंगे। अब हम एक कांच की बोतल में, बिल्कुल सूखी हुई वो बोतल, उसमें चीनी को ट्रांसफर करेंगे। सारी चीनी हमें एक साथ नहीं डालनी है और इस तरह से हम नींबू के रस को भी इसमें डालेंगे। रस को आप पूरा डाल दें, बस चीनी पूरी तरह से रस में डूब जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि रस ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ हमें भी लगा था, तो थोड़ी सी चीनी हम इसमें और डालेंगे। और इस तरह से पूरी 250 ग्राम चीनी हमने इस बोतल में डाल दी है। रस और चीनी का लेवल एक समान है इस वक्त। अब हम इसमें जीरा पाउडर, पुदीना सूखा हुआ, काला नमक और सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक इसलिए डाल रहे हैं कि इसे व्रत उपवास में भी काम में लिया जा सकता है। आप चाहें तो नॉर्मल नमक डालें। और इस तरह से बॉटल का ढक्कन हम बंद कर देंगे। ध्यान रखें कि ढक्कन पूरी तरह से टाइट हो, लीकेज ना हो। और इस तरह से हम बॉटल को शेक करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसे एक गर्म पानी के पतीले में रखेंगे। पानी अच्छा गर्म है ये, और इस तरह से इसे 50 से 60 मिनट तक इसी में रखेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, हर 5-7 मिनट के दौरान बॉटल को अच्छी तरह से शेक करना है, जिससे चीनी घुलती रहे और सभी सामग्री एक दूसरे में मिलती रहे इस तरीके से। अगर बीच में पानी ठंडा होने लगे तो आप फिर से इसे गर्म कर सकते हैं पानी को। तो लगभग 50 से 60 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सिरप का कलर भी काफ़ी बदल गया है और चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। आप चाहें तो चीनी का पाउडर करके भी डाल सकते हैं, इससे ये काम और भी जल्दी हो जाता है। अब हम आपको इससे नींबू पानी बनाना भी बता देते हैं। एक ग्लास में 4 से 5 टुकड़े बर्फ के डालें और इस तरीके की चम्मच जो हम सभी के पास होती है घरों में, 2 चम्मच इसमें सिरप डालेंगे और इस तरह से पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस सिरप को आप कम से कम 2 महीने बिना फ्रिज के स्टोर कर सकते हैं आराम से, और फ्रिज में अगर रखते हैं तो 4 से 5 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। और ये सारे मसाले हमने इसमें इसलिए मिलाए हैं ताकि हम जब नींबू पानी बनाते हैं तब हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो सोडा भी मिला सकते हैं इसमें, ड्रिंकिंग सोडा। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से और झटपट से हमने नींबू पानी घर में ही तैयार कर लिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें आपको कुछ भी अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी गर्मियों में इसे बनाएं, अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें, मेहमानों को भी सर्व करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।